अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन। दिस इज मोहम्मद असद अली और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो इशू जो हमारे यहाँ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का होता है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि अपनी राइटिंग को कैसे सुधारें। एक्सेलेंस ऑनलाइन जहाँ आपके लिए डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोस बनाता है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से हटकर आपके लिए सोचा गया है कि आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक उर्दू की राइटिंग और इंग्लिश की राइटिंग पर भी वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उर्दू की हैंडराइटिंग पर। तो सबसे पहले सवाल ये है कि उर्दू की हैंडराइटिंग कैसे होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल मैं जुमला लिखता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं। तो ये जुमला लिखा है मैंने, बज़ाहिर राइटिंग जैसी भी लग रही हो लेकिन हम उर्दू की राइटिंग ऐसी हुआ नहीं करती है। उर्दू की राइटिंग दरअसल होनी चाहिए इस तरह से, हम सब पाकिस्तानी। कदरे बेहतर है लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो हम कैलीग्राफी के कुछ बेसिक स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है एक ही वीडियो में हम इतना सब कुछ नहीं सीख सकते कि आपकी राइटिंग बिल्कुल खताज जैसी हो जाए, और ना ही यकीन मेरी भी है। तो कुछ बेसिक रूल्स आपको बताते हैं। देखें जी, हम जब उर्दू की राइटिंग लिख रहे होते हैं तो इसमें और इसमें अलग जो है इख्तलाफ है वो ये है कि ये राइटिंग आपको स्ट्रेट नजर आएगी बिल्कुल इस तरह की, ऐसे इसमें फॉन्ट नहीं आ रहा है। जबकि जो नीचे मैंने जुमला लिखा है उसमें इस तरह नहीं जा रहे, बल्कि आपको इनका फ्लो थोड़ा सा स्लोप में नजर आएगा डायगनल। जब भी उर्दू लिखा करें आप कोशिश किया करें कि आप इस तरह डायगनल में लिखा करें, स्ट्रेट बिल्कुल कुछ ना लिखा करें। तो उर्दू की राइटिंग बेहतर बनाने के लिए हम जाहिर सी बात है पहली ही वीडियो में इतना कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मजीद इस पर हम और एडवांस टेक्निक्स पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ उर्दू के हरूफ तहजी, कि उर्दू के हरूफ तहजी किस तरह लिखे जाते हैं। फिर अगली वीडियो में हम उन्हीं हरूफ को मिलाकर डिफरेंट अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि हम सब तो ये दो लफ्ज़ हैं तो इस तरह के अल्फाज डिफरेंट हम किस तरह बनाते हैं वो सीखेंगे। तो उर्दू के अलिफ हरूफ तहजी में जो सबसे पहला हर्फ है हमारे पास वो है अलिफ। अलिफ लिखने का ऐसा तरीका होता है, तो अलिफ लिखने का ये तरीकेकार होता है। इस पर अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा अगर इसे जूम करके बनाऊं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसे, तो वो कुछ इस तरह का होता है। जो खताद होते हैं वो दरअसल उसकी हाइट और उसकी तमाम मेजरमेंट्स के लिए एक यूनिट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कत। कत दरअसल क्या होता है, जब मैं किसी भी कट मार्कर को या किसी भी कलम को एक बार टच करूंगा अपने पेपर पर तो वो जो एक नुक्ता बनेगा उसका, उसे कत कहा जाता है। तो ये दो कत, ये तीन कत इस तरह होता है। तो दरअसल अलिफ जो होता है वो आपके कट मार्कर के तीन कत के बराबर होता है। लेकिन जाहिर है हम पेपर में इतनी एडवांस टेक्निक और उसकी मेजरमेंट नापने बैठ जाएंगे तो जाहिर है हमारा वक्त खत्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि अलिफ यहाँ से थोड़ा सा उस तरफ झुका होगा, यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ झुका होगा, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इतना भी इसे हमने टर्न नहीं करना है कि ये एस लगने लग जाए। काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो इस तरह अलिफ लिख रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं लिखा जाता, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है कि थोड़ा सा वहाँ से टर्न नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा यहाँ से टर्न नज़र आ रहा हो, बहुत ज़्यादा ना नज़र आ रहा हो। अलिफ के बाद हम बात करते हैं बे की। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो बे लिखने के लिए अक्सर स्टूडेंट ही लिखते हैं इस तरह से, जो कि गलत तरीका है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बे के दोनों एंड जो हैं वो ऊपर की जाने जा रहे हैं, बे इस तरह लिखा जाता है। दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखाता हूं। दरअसल जब बे को बनाया जाता है तो यहां से थोड़ा सा स्लोप होता है और यहां बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऊपर की तरफ। आप किसी भी उर्दू अखबार को देख लीजिए, आप किताब देख लीजिएगा जो नस्तलीक फॉन्ट में लिखा हो,
तो उसमें बे हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, स्टार्ट में स्लोप होता है और एंड में ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है। जीम की बात करते हैं, जीम लाम नून छोटी है, ये ऐसे हरूफ हैं जिनको लिखने के लिए काफी मेहनत दरकार होती है। तो जाहिर सी बात है पहली बार में ही आपसे बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करके आप इनको इम्प्रूव करके बार बार इसकी मश्क करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो जीम लिखने का तरीकेकार ये होता है, पहले आपको गलत तरीकेकार बताता हूँ कि काफी स्टूडेंट किस तरह लिखते हैं। जीम का एक तरीका आपको ये भी नजर आएगा, जीम लिखने का एक तरीका आपको ये भी नजर आएगा लिखने का, और इसके अलावा और भी काफी तरीकों से लिखते हैं स्टूडेंट, ये भी नजर आएगा आपको तरीका। तो ये सारे तरीके गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जीम लिखने का जो सही तरीकेकार है मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, इसमें किन बातों का ख्याल रखना है मैं आपको एक बड़ा सा जीम बनाकर दिखाऊं। अब इसमें अगर आप गौर करें जिन बातों का ख्याल रखना है, सबसे पहली बात यह है कि ये जो इसका एंड आ रहा है, ये एंड और इसकी बाउंड्री एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपने इस तरह जीम बनाया है जो इसकी बाउंड्री से बाहर आ रहा है तो गलत है। दूसरी बात, इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये सेम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दाल की। दाल लिखने का तरीके का होता है, पहले आप इस तरह एरो बनाएंगे, फिर यहां और फिर ऐसे। रे लिखने के लिए अगर इस हिस्से को हटा दिया जाए तो सिर्फ इतना हिस्सा रह जाए तो वो रे होता है। सीन लिखने के लिए, अच्छा बीच वाले इनसे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जैसे बे लिखते हैं वैसे टे लिखते हैं, से लिखते हैं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। जीम लिखते हैं तो चे हे खे बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं, दाल डाल जाल वो इस तरह होता है, फिर रे डे जे बिल्कुल इसी तरह होता है। तो जो सिमिलर है हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सीन की बात करते हैं, सीन लिखने के अक्सर गलत तरीके जो देखे गए हैं स्टूडेंट्स में वो ये होते हैं, जो कि दोनों ही गलत है। सीन लिखने का सही तरीका जो है वो ये होता है, यानी कि इसमें भी अगर आप गौर करें तो ये एक स्लोप बन रहा है और यहां पर भी ये स्लोप बन रहा है। अच्छा जी, उसके बाद शीन, सीन और शीन एक ही तरीके से लिखा जाता है, लेकिन सीन को अक्सर हम एक स्ट्रेट वे में भी लिखते हैं। तो उसका तरीकेकार ये होगा, अच्छा सीन को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं बड़ा करें, तो पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसे। शीन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही तरीका होगा, लेकिन शुरू में जैसे हम बे लिखें उस तरह लिखें, लंबा सीन या शीन जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह भी लिखने के लिए आप क्या तरीके का तैयार करेंगे, जैसे बे लिखा करते हैं हम वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ थोड़ा सा ऐसे नीचे ले जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। मैं यहाँ लिखकर दिखाते हैं आपको। स्वाद की बात करते हैं, स्वाद लिखने के लिए गलत जो तरीका लोग इख्तियार करते हैं वो ऐसे लिखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्वाद जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर ख़त्म होता है, यहाँ से शुरू होगा दोबारा यहीं पर आकर ख़त्म होगा, तो इसे इस तरह लिखा जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम अपने आप को यहीं पर इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी हरूफ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अल्लाह हाफिज़।